एवरीवन, तो देख सकते हैं ये है ब्लैक एंड डेकर का आयरन बॉक्स। यानी कि आपके अगर आपके पास कौन सा भी आयरन बॉक्स होने दो, जो भी ये काला काला होता है इसमें जो चिपक जाता है, आप देख सकते हैं इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो बड़ा ही आसान है, इसको आप कुछ मिनटों में जो है रिमूव कर सकते हैं बड़े इजी से। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड वीडियो पे पहली बार आया है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको प्लग इन करना है। उससे पहले कुछ आपको बातों का ध्यान रखना है। इसको ऑन करने के बाद में देख सकते हैं लाइट जो इसकी आ सकी है, ये गर्म होना जो है शुरू हो गया। तो आपको चाहिए होगा एक कैंडल, जो कि मोमबत्ती हम बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मोमबत्ती है। एंड एक चाहिए इस तरह का प्लेन नाइफ, या फिर नाइफ की जगह आप जो है ब्लेड भी ले सकते हैं, जो शेविंग ब्लेड आती है वो भी ले सकते हैं। इसको पूरा हीटिंग कर देना है। एंड हीटिंग करने के बाद जो भी हमारी कैंडल रहती है, उस कैंडल को हम यहाँ पे घिसेंगे। जो जो ब्लैक पोजीशन है उसको वहाँ से घिस देंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो निकल रहा है।
देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट जो पूरा है क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले कैसा कंडीशन था एंड अभी कैसा कंडीशन है, एंड पूरा जो ऊपर जो ब्लॉक ब्लॉक था पूरा निकाल दिया है। जहाँ पे ये खड्डे हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लॉक रहेगा, क्योंकि ये क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हम क्लीन करते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने क्लीन किया है पूरा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपके पास ड्राई आयरन है तो इसका भी इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। एंड अगर आपका हॉल कोई भी मोम से ब्लॉक हो चुका है तो काम कीजिएगा, इसमें पानी डाल के जहाँ पे ये निकालने का रहेगा, सॉरी पानी डालना रहता है, इसमें पानी डाल के ऑन करके स्टीम वाला बटन ऑन करके उसके बाद में जो ज़्यादा मोर पावरफुल स्टीम रहता है ये बटन प्रेस करेंगे तो इधर से एकदम फोर्स से स्टीम जो है आएगी, तो आपका जो हॉल जो भी रहेगा वो ब्लॉकिंग जो है रहेगा क्लीन हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो है इसका क्लीन हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कैसे कमियों में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।